सॉमकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नेम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यू ग्रेड के हवाले से अपग्रेड पी सी में कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए क्या क्या शराइत हैं उसके मुताबिक आप लोगों को मुकम्मल अपडेट दी थी। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो ये है कि आप लोग कैसे अमेरिका में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी फुली फंडेड। ये स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए है जिन्होंने अपनी एस एस सी कम्प्लीट कर ली है या फिर जिनका भी रिजल्ट आना है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के लिंक को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मियामी स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग इजीली स्कॉलरशिप के हवाले से आप लोगों को अपडेट मिलेगी इसमें और आप लोगों को पता चलेगा कैसे आप लोग बगैर कॉस्ट किए, बगैर आप लोगों का कुछ भी खर्चा हुए आप लोगों को एक लैपटॉप मिलेगा और $12,000 जो है वो पर मंथ आप लोगों को पर ईयर आप लोगों को मिलेंगे। तो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी जो कि फुली फंडेड है अंडर ग्रेजुएट के लिए, डेडलाइन 1 नवंबर 2023 है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आप लोगों के पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप लोगों की सेकेंड ईयर कम्प्लीट होनी चाहिए, उसके साथ आप लोग अंडर ग्रेजुएट हों और आप लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यानी इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के अपने कॉलेज से वो मिल जाएगा, आप लोगों का वो होना लाजमी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने जस्ट मियामी की वेबसाइट पर जाना है और आप लोगों ने वहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने कम्प्लीट गाइडलाइन पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने अब अप्लाई कैसे करना है तो इसके मुताबिक मैं आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ। तो हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट पर, ये हम ओरिजिनल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई करना है और हाउ टू अप्लाई ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट दी गई है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा आप लोगों को, द मोस्ट एकेडमिक कंपटीटिव स्टूडेंट एडमिटेड टू फर्स्ट ईयर क्लास मे बी कंसीडर्ड फॉर प्रीमियर स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के हवाले से यहाँ अपडेट दी गई है। इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है यहाँ से आप लोगों को पहले सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं कि आप लोगों के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर कौन सी है, ट्रांसफर और वैलिड अगर आप लोग रिटर्न के तौर पर आना चाहते हैं तो आप लोग वो भी आ सकते हैं। फिर माई एप्लीकेशन स्टेटस पे आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं कि आप लोगों के एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। आप लोगों ने यहाँ से फर्स्ट ईयर के क्लिक करना है एंड देन आप लोग नेक्स्ट आप लोगों का अप्लाई का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए फर्स्ट के सबसे पहले आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, कॉमन एप्लीकेशन है तो कंप्लीट एंड सबमिट कॉमन एप्लीकेशन अपॉन सबमिटिंग द पे $70 नॉन रिफंडेबल फंड। तो आप लोगों को $70 पे करना पड़ेंगे। उसमें आप लोगों के पास एस ओ पी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास कंप्लीट ऑफिशियल डिपॉजिट होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेल करने पड़ेंगे और ये मेलिंग एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके बाद आप लोगों को अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करना है अप्लाई पे एंड देन आप लोगों ने आगे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है तो फर्स्ट ईयर के अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, देन आप लोगों ने यहाँ से क्रिएट योर अकाउंट करना है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोसेस करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।